Good morning to you all. Today, I, Sonali Divedi, welcome you to this presentation of Class 6, Chapter 1, Food, Where Does It Come From? Before going to our chapter, I would like to inform you that eTuition is a digitally platform providing online education in the basics of Odia and English. So students, what are you waiting for? Go and subscribe to the channel and enjoy wonderful education. So today we are going to study about the most important topic food, khana. तो यहाँ पर जो खाना बनता है वो कितने टाइप के होते हैं, मतलब डिफरेंट डिपेंडिंग अपन डिफरेंट स्टेट, डिपेंडिंग अपन स्टेट का डिस्ट्रिक्ट या फिर कोई लोकलिटी, तो उसी हिसाब से फूड का बहुत सारा वैरायटी देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पर बहुत कॉमन फूड होता है लोगों का राइस, या फिर अगर स्टेटस में देखा जाए तो कोई पानी पूरी खा रहा है, कोई बर्गर खा रहा है, तो इतने सारे डिफरेंट टाइप के फूड होते हैं। तो वो एक्चुअल बेसिस के फूड कहाँ से आता है वो भी जानना ज़रूरी है। सो टुडे वी विल स्टडी अबाउट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज वी आर गोइंग टू डिस्कस। देखिए, उससे पहले हमने कुछ वेराइटीज़ फूड के रखे हैं यहाँ पर। We have given a food pyramid diagram. You must be well familiar with all these food items kept. यहाँ पर कुछ vegetables है, यहाँ पर milk product है, यहाँ पर bread है, chicken, mutton, यहाँ पर eggs, fruits, banana, यहाँ पर आ गया peanut butter, potato, यहाँ पर कुछ fruits like chicos, यहाँ पर कुछ pulses. So variety of the food items. So, इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस आर द फूड वैरायटी, फूड मटेरियल, सोर्सेस ऑफ फूड, प्लांट पार्ट, एनिमल प्रोडक्ट एज द फूड। सो आवर फर्स्ट पॉइंट इज फूड वैरायटी। सो बिफोर गेटिंग इनटू द टॉपिक आई वुड लाइक टू आस्क, तो ये मॉर्निंग टाइम है, तो मॉर्निंग टाइम में कितने लोगों ने क्या क्या ब्रेकफास्ट किया है वो सभी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सभी का ब्रेकफास्ट सबसे डिफरेंट होगा, किसी किसी का मिलता होगा। तो ऐसे बहुत सारे वैरायटी के फूड है, कोई डोसा खाया होगा, कोई ब्रेड बटर खाया होगा, कोई ओट्स खाया होगा, कोई सिंपल रोटी खाया होगा, तो बहुत सारे। और रोटी में भी कोई कोई रोटी के साथ दाल खाया होगा, कोई सिंपल भाजी खाया होगा, तो डिफरेंट फूड वेराइटीज यहाँ पर मिल जाते हैं। सो वी विल स्टडी। देखिए यहाँ पर कुछ फूड वेराइटी मैंने लिए हैं, बर्गर, कुछ पिज़्ज़ा, यहाँ पर कुछ आइसक्रीम्स, कॉर्नफ्लेक्स, यहाँ पर आ गया ये वाला पॉपकॉर्न, ओमलेट, यहाँ पर कितने सारे फूड वेराइटीज मिल जाते हैं। सो दीज आइटम्स दैट इज़ द फूड विच इज़ मेड फ्रॉम द इन्ग्रीडियंट्स, जो रॉ मटेरियल्स चाहिए ये फूड को बनाने के लिए, उसको कहा जाता है इन्ग्रीडियंट्स, द वेरी असेंशियल थिंग्स दैट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ फूड। सपोज नाउ वी विल कंसीडर एन एग्जाम्पल, लेट बी इट दाल, सिंपल दाल सा बनाना है, तो उसके लिए क्या क्या चाहिए? ना दाल का जो पल्सेस आइटम वो चाहिए, वाटर चाहिए, सॉल्ट चाहिए, हल्दी चाहिए, तो ये सब बन जाते हैं उसके इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स आर दो सोर्सेस दैट इज हेल्प्ड टू मेक अ पर्टिकुलर फूड। तो डिफरेंट फूड आइटम का डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स बन जाता है। सो यहाँ पर कुछ मैंने एग्जाम्पल्स लिए हैं, यू कैन सी रोटी या फिर चपाटी का इंग्रेडिएंट्स क्या जाता है, ना आटा एंड वाटर, और दाल का मैंने जैसे मेंशन किया पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, और समबडी यूज घी एंड सम अदर स्पाइसेस तड़का देने के लिए। तो ये बन जाता है उसका इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स आर दोज मटेरियल और दोज रॉ मटेरियल विच कैन बी यूज टू मेक अ पर्टिकुलर फूड आइटम। सो जैसे कि आप सबने मेंशन किया होगा, अपना ब्रेकफास्ट बेसिस में कुछ फूड होगा, कुछ लंच बेसिस का फूड होगा, कुछ इवनिंग स्नैक्स का होगा, कुछ डिनर का होगा, तो हर टाइम का कुछ कुछ सिमिलर हो जाता होगा या फिर कुछ वैरायटी होगा। तो वो सब चीज़ों को बनाने के लिए आपको जो मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है उनको बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स। गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, वी विल स्टडी अबाउट द फूड मटेरियल एंड देयर सोर्सेस। मतलब फूड के बारे में तो हमने इतना डिस्कस किया कि ये खाया वो खाया, अब वो चीज़ बनता कहाँ से है, फ्रॉम वेयर डू द फूड इन्ग्रीडियंट्स कम फ्रॉम। सपोज
वी विल टेक एन एग्जाम्पल दैट हमने एग्जाम्पल लेंगे. सपोज हम लोगों को दाल बनाना है, तो दाल बनाने के लिए हमको चाहिए क्या? पल्सेस चाहिए, उसके बाद घी चाहिए, स्पाइसेस चाहिए, वाटर चाहिए. सो ये जो इंग्रेडिएंट्स बने, ये इंग्रेडिएंट्स एक्चुअल में सोर्सेस कहाँ से आएंगे? दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग. सो सबका कॉमन है, सभी का सोर्सेस कुछ प्लांट से आते हैं, कुछ एनिमल्स से आते हैं. आई हैव रिटेन हियर, सी द प्लांट्स आर द सोर्सेस ऑफ फूड इंग्रेडिएंट लाइक ग्रेन्स, सीरियल, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स. जो ये सभी कंपोनेंट हो गए, जैसे हमको सपोज आज हम कॉलीफ्लावर का सब्जी बनाएंगे, तो वहाँ पर कॉलीफ्लावर आ गया प्लांट सोर्सेस. सपोज हम मीट बनाएंगे तो वो हो गया एनिमल सोर्सेस. सपोज हम एग ऑमलेट करेंगे तो वो हो गया एनिमल सोर्सेस. तो इंटरडिपेंडेंटली या फिर कोई प्लांट के ऊपर डिपेंड करता है, कोई एनिमल के ऊपर डिपेंड करता है. वन मोर थिंग इज टू बी एडेड दैट देयर आर टू मेजर थिंग जो कि प्लांट और एनिमल्स से नहीं आता है. वाटर दोज ना, एक है वाटर और एक है सॉल्ट. ये जो दो चीज़ें हैं ये प्लांट या एनिमल सोर्सेस नहीं है. दिस शुड बी केप्ट इन माइंड. आई हैव मेंशन सम डिलीशियस फूड आइटम. आप लोग यहाँ पर देखिए और इन लोगों का बताना कि कौन सा एनिमल सोर्स होता है और कौन सा यहाँ पर प्लांट सोर्स होता है. गिव अपन योर कमेंट सेक्शन इन द आंसर्स. ओके, सो नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द डिफरेंट एडिबल प्लांट दैट वी टेक फ्रॉम द प्लांट्स. आई हैव मेंशन्ड हियर, सी फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, लीफ एंड देयर इज देन द रूट सिस्टम. सो ये जो प्लांट है इसका बहुत सारा चीज़ें हमको यूज करते हैं. जैसे फ्लावर, फ्लावर का कुछ एग्जाम्पल दीजिए जहाँ पर हम फ्लावर को एज ए फूड यूज करते हैं. So it will be, I will give an example, you will mention the rest. It will be pumpkin flower. उसका हम use करते हैं as a food. उसको मतलब क्या, भाजी करते हैं ना, वो चाहिए एक होता है. Next आ जाता है fruit. Fruit में तो बहुत सारे examples आ जाते हैं, जैसे apple, banana, orange, ये सब हो गया fruit. Next आ गया क्या ना, leaf. Leaf में आ जाता है spinach, the most important leaf material that is used from the plant. Next आ जाता है root. रूट का क्या होगा ना, कैरट, रेडिश, ये सभी रूट मटेरियल है जो कि हम खाते हैं. तो ऑल दोज पार्ट्स दैट आई हैव मेंशनड हियर आर द एडिबल प्लांट. एडिबल मतलब ईटेबल प्लांट, ये सभी को हम इजीली खा सकते हैं. सो दीज आर द एडिबल प्लांट. नेक्स्ट, ये तो हो गया क्या, प्लांट प्रोडक्ट जो कि हम एज ए फूड कंज्यूम करते हैं. एनिमल का वैसे आ जाता है क्या ना, एग आ जाता है, कोई मिल्क सोर्स आ जाता है, फिर मिल्क से वैरायटी डेयरी प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, जैसे घी हुआ, चीज हुआ, बटर हुआ, मिल्क हुआ, ये सभी हो गया. उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है क्या ना, एग होता है, हेन होता है. सो वी विल सी फर्स्ट द प्लांट पार्ट विच इज एज टेकन एज फूड. आई हैव ऑलरेडी मैंशन सी द एग्जाम्पल दैट इज टेकन लीफ. ये हो गया क्या, लीफ पार्ट जो कि हम फूड के हिसाब से यूज करते हैं. और नेक्स्ट आई हैव टेकन हियर सम सीड्स. दिस इज वेरी कॉमन एग्जाम्पल. लेट अस गेस, मेक एनी गेसेस, वॉट आर दोज सीड्स? यस, इट इज मस्टर्ड सीड्स. तो कुछ कुछ मतलब यूज होता है, मस्टर्ड सीड्स यूज होता है. और कुछ सीड्स के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं ना, जैसे वीट हो सकता है, फिर राइस ग्रेन्स हो सकते हैं, कुछ पल्सेस यूज हो सकते हैं प्लांट के. तो ये सभी आ गए प्लांट पार्ट विच आर यूज एज द फूड. सी आई हैव टेकन हियर एग्जाम्पल ऑफ लीफी वेजिटेबल्स एंड नाउ हियर सम आर मेंशन एज रूट्स, सम स्टेम्स, फ्लावर्स. तो जैसे हमने पहले कहा कि यहाँ पर जितने सारे प्लांट पार्ट है वो रूट्स हो सकता है, स्टेम हो सकता है, फ्लावर्स या फिर कुछ मतलब क्या, सीड्स हो सकता है, सभी कुछ ईटेबल पार्ट है. और उसको मोस्ट साइंटिफिकली बोला जाता है एडिबल पार्ट बोला जाता है. हम जिसको खा सकते हैं वो एडिबल पार्ट उसका बन जाता है. सो गेटिंग अपन टू द नेक्स्ट स्लाइड, वी विल स्टडी अबाउट द एनिमल प्रोडक्ट विच आर टेकन एज फूड. सो एनिमल प्रोडक्ट में क्या क्या आ जाएगा? सो हियर आ जाता है क्या ना, एग आ जाता है, मिल्क प्रोडक्ट आ जाता है, चीज आ जाता है. सो देखिए, आई हैव मेंशन फिश, ये भी एक होता है, फिर एग, फिर यहाँ पर रह गया मीट.
Okay, so these are all animal product. See, और क्या क्या आ जाता है यहाँ पर? Eggs तो मैंने कहा, honey, ये अच्छा honey का एक important चीज रहता है. क्या होता है ना, honey एक animal product है. कैसे ना, जो bee होते हैं, bee क्या करेंगे, फ्लावर से नेक्टर कलेक्ट करेंगे. नेक्टर इज ए स्वीट लिक्विड दैट इज कलेक्टेड फ्रॉम द फ्लावर. सो इट विल बी कलेक्टेड, इट विल बी स्टोर्ड इन देयर बीहाइव. बीहाइव इज द प्लेस वेयर अ बी कॉमनली रेसाइड्स. सो वहां पर वो लोग स्टोर करेंगे और नेक्स्ट कुछ महीनों बाद वो बन जाएगा क्या ना, हनी, विच विल बी यूज्ड फॉर आवर पर्पोजेस. सो इन दिस वे हनी बिकम्स एन एनिमल प्रोडक्ट विच इज यूज्ड एज ए फूड. और कुछ कुछ एग्जाम्पल्स क्या आ गए ना, मिल्क. मिल्क तो रहा कॉमन डेयरी प्रोडक्ट और उसको प्रोसेस करके हम कर्ड बना सकते हैं, चीज बना सकते हैं, बटर बना सकते हैं. सो दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ द एनिमल प्रोडक्ट विच आर कंज्यूम्ड एज फूड इन आवर डे टू डे लाइफ. नेक्स्ट, सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड. देखिए यहां पर कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिया है. ये हो गया क्या, स्क्विरल. नेक्स्ट आ गए क्या, पीजन. एंड दिस इज लीजर्ड. सो इन लोगों का कॉमन फूड आइटम क्या है, व्हाट डू दिस ऑर्गेनिज्म कंज्यूम इन देयर डे टू डे लाइफ. कोई बोलेगा खाली ग्रेन्स खाते हैं, कोई बोलेगा इंसेक्ट्स कंज्यूम करते हैं, कोई बोलेगा बोथ इंसेक्ट्स या फिर ग्रेन्स खाते हैं. तो यहां पर जो पर्टिकुलरली ग्रेन, वो किस कैटेगरी में गया ना, वो प्लांट सोर्स में गया. और जो इंसेक्ट बन गया वो किस सोर्स में गया ना, वो एनिमल सोर्स में गया. तो यू मेक योर आंसर्स अनलिस्टेड इन द कमेंट बॉक्स दैट व्हाट डज अ स्क्विरल कंज्यूम, व्हाट डज अ पीजियन कंज्यूम, व्हाट डज अ लीजर्ड कंज्यूम. एंड बेस्ड अपॉन देयर कंजप्शन वी विल मेक अ क्लासिफिकेशन ऑफ द एनिमल दैट कौन खाली प्लांट प्रोडक्ट खाता है, कौन खाली फ्लैश खाता है, कौन दोनों को मिलाकर खाता है. सो सी, यहाँ पर कुछ मैंने पिक्चर्स मेंशन किए हैं, इनको छोड़कर आप कुछ नेक्स्ट पिक्चर्स का मेंशन कीजिएगा. सो हियर आई हैव मेंशनड डियर, रैबिट, एलिफेंट. सो इन लोगों में कुछ मतलब कॉमन चीज है. क्या हो सकता है वो कॉमन चीज? सो द कॉमन चीज जो कॉमन इनके अंदर है वो है क्या ना, इन लोगों का न्यूट्रिशन. ये लोग मतलब क्या, छोटा प्लांट प्रोडक्ट हो या फिर बड़ा प्लांट प्रोडक्ट हो, डिपेंड करते हैं अपने कंज्यूमशन प्लांट के ऊपर ही डिपेंड करते हैं. तो दोज एनिमल्स विच आर एनाटॉमिकली, एनाटॉमिकली मतलब उनका मतलब क्या, उनका बॉडी ही ऐसा मॉडिफाई हुआ है कि वो सिर्फ प्लांट मटेरियल ही खाएंगे, तो वैसे टाइप के जो एनिमल्स बनते हैं वो बन जाते हैं क्या, हर्बीवोर. और एक चीज हर्बीवोर के बारे में इम्पोर्टेंट है कि हम भी प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, लेकिन ये सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट के ऊपर ही डिपेंड करते हैं, क्योंकि इनका डाइजेस्टिव सिस्टम में एक सेल्यूलोस डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट है. सेल्यूलोस डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया क्या करता है ना, इनका जो सेल्यूलोस कंपोनेंट रहता है उसको इजीली डाइजेशन कर देता है. डाइजेशन कर देने से ये लोगों का क्या होता है ना, बेटर डाइजेशन के लिए ये सिर्फ रॉ खा जाते हैं. हम लोग क्या कुक करके खाते हैं, ये लोग रॉ खा जाते हैं, क्योंकि उनका वो कंपोनेंट सेल्यूलोस डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट है. ओके, सो इन लोगों को इसलिए इजी होता है और इनका बॉडी मॉडिफिकेशन वैसे ही बना गया है जैसे कि ये सिर्फ रॉ ही खा ले. सो दीज आर कॉल्ड द प्राइमरी कंज्यूमर. प्राइमरी कंज्यूमर मतलब दीज विल ओनली डिपेंड अपन द मतलब कंज्यूम तो करेंगे, ठीक है, ये लोग खुद से मतलब बना नहीं सकते, ये लोग प्लांट के ऊपर ही कंज्यूम करेंगे, लेकिन ये लोग क्योंकि सिर्फ छोटे वाले लेवल के मतलब प्लांट से फिर ऐसे ही डिपेंड करते हैं, तो इनका प्राइमरी लेवल ऑफ कंज्यूमर बन गए. नेक्स्ट वी विल गेट टू द टॉपिक दैट इज सी, यू माइट बी गेसिंग व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक. इट विल बी अबाउट द न्यूट्रिशन कंजप्शन ऑफ लायन. सो लायन किसके ऊपर डिपेंड करता है ना, वो फ्लैश के ऊपर डिपेंड करता है. छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म का फ्लैश कहते हैं, वो प्लांट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, या फिर आप बोल सकते हो कि वो इनडायरेक्ट प्लांट के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, दिस लायन. दिस लायन डिपेंड्स अपन डियर. डियर क्या खाता है, डियर खाता है प्लांट प्रोडक्ट.
सो ये इनडायरेक्ट डिपेंडेंट होता है प्लांट के ऊपर, मतलब ये लोग जो है ना ये लोग इंटरडिपेंडेंट ही है, कोई डायरेक्ट प्लांट खा लेता है, कोई प्लांट के ऊपर इनडायरेक्ट डिपेंड करता है. सो आई हैव ऑल्सो मैंशनड यूर एन एग्जाम्पल ऑफ टाइगर. सो फ्रॉम दिस यू हैव मेड गेसेस वॉट इज इट. सो हियर वी विल नाउ स्टडी अबाउट कार्निवोर. कार्निवोर मतलब वो सिर्फ मीट खाएंगे या फिर फ्लैश ऑफ एनिमल्स. ऑल्सो हियर आई हैव मैंशन दैट समटाइम्स कार्निवोर आर कॉल्ड प्रीडेटर. प्रीडेटर मतलब क्या ना, ये लोग क्या करते हैं ना, अपना शिकार करते हैं, जो शिकार करके खाते हैं ना, तो इसलिए दे आर कॉल्ड प्रीडेटर. और जिसको खाते हैं दे आर कॉल्ड प्रे, PREY, प्रे. तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन अ प्रीडेटर एंड अ प्रे. और ये लोगों को कहा जाता है सेकेंडरी कंज्यूमर. वो थे प्राइमरी कंज्यूमर जो सिर्फ ओनली प्लांट प्रोडक्ट के ऊपर ही डिपेंड करते हैं. ये होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर जो मीट खाते हैं, फ्लैश ऑफ द एनिमल्स खाते हैं. सो नाउ यहाँ पर बियर, ये हो गया डॉग. अच्छा तो अभी कोई गेसेस बन सकता है हम अभी नेक्स्ट टॉपिक क्या बात करने वाले हैं. पहले तो हम लोग ने पढ़ लिया कि जो सिर्फ खाली प्लांट के ऊपर डिपेंड करेगा. नेक्स्ट हमने पढ़ा जो मीट या फिर फ्लैश ऑफ एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करता है. तो ये जो बियर है ये क्या खाता है, कभी कभी कुछ कुछ देखे होंगे ये प्लांट्स खाता है, पेड़ पत्ती खा जा रहा होगा, कोई कोई देखेंगे जिंदा किसी एनिमल को भी खा ले रहा होगा. डॉग भी वैसे ही है, फ्लैश भी खाता है, कुछ कुछ मतलब क्या प्लांट सोर्सेस भी खाता है. तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द ऑर्गेनिज्म दैट इज कॉल्ड ओमनीवोर. ओमनीवोर मतलब वो बोथ प्लांट मटेरियल भी खाएगा और यहाँ पर एनिमल सोर्सेस भी खाएगा. सो ये लोग रेंज करते हैं फ्रॉम छोटे छोटे मतलब टाइनी जो एनिमल्स है वहां से लेकर ह्यूज एनिमल्स तक रेंज करते हैं. और इसी ओमनीवोर कैटेगरी में आ जाएंगे ह्यूमन बींग्स. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द टॉपिक दैट इज वी हैव डिस्कस टूडे, दैट इज द फूड वेराइटी. कि कितने टाइप के फूड है, कितने वेराइटीज के फूड एक दिन में हम कंज्यूम करते हैं, वो फूड को बनाने के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल्स चाहिए, और वो रॉ मटेरियल्स को क्या कहते हैं ना, वी कॉल इट एज इंग्रेडिएंट. नेक्स्ट जो फूड खाते हैं उनका सोर्सेस क्या बनता है. सोर्सेस इज वेरी कॉमन दैट इज प्लांट एंड एनिमल, बट दो ऐसी चीजें हैं जो प्लांट या एनिमल से नहीं बनती है. सो दैट इज द सॉल्ट एंड वाटर. एंड नेक्स्ट वी टॉक्ड अबाउट द प्लांट सोर्सेस जो कि हम प्लांट पार्ट को खाते हैं, और नेक्स्ट द एनिमल प्रोडक्ट, एंड नेक्स्ट व्हाट डू द एनिमल्स ईट. सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक. आई होप यू लाइक द क्लास.